फिल्म दंगल जितनी भारत में मशहूर है उतनी ही साउथ कोरिया में मशहूर हुई है, और यही कारण है कि आज दिल्ली में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी ने दंगल फिल्म जिन पर बनी है, जी हां, फोगाट बहनों और उनके परिवार वालों से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत में लड़के लड़कियों में भेद है उसी तरह साउथ कोरिया में भी है, और यही वजह है कि दंगल फिल्म साउथ कोरिया के लोगों के दिलों को छू गई है। देखिए, बातचीत जो उन्होंने दंगल फिल्म देखा था उसी के रिगार्डिंग उन्होंने बातचीत की। उन्होंने हमसे मिलके वो जानना चाहती थी कि वाकई में मेरे पिता ने इतना संघर्ष किया है और किस तरह से उन्होंने हमें कुश्ती में लेकर के आए और कितना मुश्किल था ये सब चीज़ें, और इसी बारे में उन्होंने चर्चा की, इसी बारे में उन्होंने बातचीत की और काफ़ी अच्छा लगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मैडम का कि उन्होंने हमें बुला के और हमसे हमारे बारे में जाना और इतनी अच्छी मुलाकात रही। देखिए, बातचीत यही रही कि एक तो दोनों देशों के जो लड़कियों के प्रति जो सोच है वो उन्होंने बताया कि हमारे देश में भी ऐसे ही लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम आंका जाता हर चीज़ के अंदर, तो वो उन्होंने बोला है कि हम इस चीज़ भी हम आपको बुलाएंगे हम कोरिया में और आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, अपनी स्टोरी बताएंगे खुद अपनी मुँह जुबानी कि कैसे आपने लड़कियों को आगे बढ़ाया, कैसे आपने लोगों की सोच को बदला है, तो ये सब। और दूसरा है कि दंगल मूवी उन्होंने देखी है तो उनके जहन में जितने भी सवाल थे दंगल मूवी के देखने के बाद तो वो सब क्वेश्चन उन्होंने किए हैं तो उनके हमने जवाब दिए हैं। ऐसे में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि फोगाट बहनें साउथ कोरिया आए और वहां पर आकर लोगों की सोच बदले। वहीं इस दौरान महावीर फोगाट ने एक गदा साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को भेंट किया। मुमताज खान के साथ कमल कंसल की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।